हेलो टू ऑल व्यूअर्स, आई एम बैक वंस अगेन। और कल के मैच का थोड़ा रीकैप करते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त मैचेस दो कल हुए। इंग्लैंड ने मारा बांग्लादेश को और पाकिस्तान ने मारा श्रीलंका को। इट वाज प्रीटी ऑब्वियस, लेकिन बहुत ही वन साइड दोनों मैचेस रहे और दोनों ने दो दो कीमती पॉइंट्स हासिल किए। इंग्लैंड की नुकता नज़र से ये बात इंपॉर्टेंट थी कि उनका जो न्यूजीलैंड से हार के बाद रन रेट काफ़ी ख़राब हो गया था, उन्होंने पैचअप किया है और अब अपना रन रेट पॉजिटिव में लेके आए हैं, जो कि आगे जाके बड़ा काउंट कर सकता है। और पाकिस्तान ने एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, उनका स्कोर बहुत कर लिया था श्रीलंका ने और अच्छी उनके पास क्वालिटी बॉलिंग थी। और रिसेंट पास में श्रीलंका ने पाकिस्तान को थोड़ा परेशान भी किया है बैक टू बैक एशिया का, उसमें भी तो इट वॉज नॉट अ ईजी चेस, बट क्रेडिट मस्ट गोज टू अब्दुल्ला एंड रिजवान द वे दे प्लेड एंड सिक्योर टू पॉइंट्स फॉर पाकिस्तान। आज के मैच की बात करें तो अफगानिस्तान टकरा रहा है भारत से और अफगानिस्तान और भारत का यूजली मैच वन साइड ही रहा है। लास्ट वर्ल्ड कप मुझे याद है 2019 में कि कोई 10-12 रन से भारत जीता था, अफगानिस्तान ने मैच को निकाल लिया था। लेकिन इस मैच में और भी बहुत से एलिमेंट्स हैं, इस वीडियो में बात करना इतना सही नहीं रहेगा, लेकिन अफगानिस्तान की जो क्वालिटी स्पिन है और जो इंडियन की पिचेस बन रही हैं, अगर तो इंडिया पहले बैटिंग करता है या बाद में करता है और अफगानी बॉलिंग चल जाती है तो थोड़ा सा मैच फंस भी सकता है, ये मैं बार बार कहूँगा। लेकिन वैसे देखा जाए तो दोनों टीमों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और एक्सपेक्टेशन यही है कि वन साइड होगा, भारत अच्छे मार्जिन से चाहेगा जीतना क्योंकि अफगानिस्तान भी मिनोज में ही काउंट होती है, कोई इतनी बड़ी टीम नहीं है। लेकिन सिचुएशन को देखते हुए और कंडीशंस को देखते हुए अगर बात करें तो माइट बी देयर अ चांस के क्या बता अपसेट हो भी जाए आज पहला, तो लेट्स सी हाउ इट गोस। और लेकिन मुजीब नबी जो उनकी बॉलिंग है, स्पिन डिपार्टमेंट, वो मेरे ख्याल से इंग्लैंड इंडिया से भी तगड़ा है। कुलदीप यादव भी अच्छे बॉलर हैं, लेकिन अगर स्पिन डिपार्टमेंट की खास तौर पर बात करूँ तो अफगानिस्तान का बल्ला भारी है। बाकी ओवरऑल इंडिया काफ़ी आगे है अफगानिस्तान से, उस तरह कंपेयर करें। लेट्स सी रिजल्ट किस तरफ जाता है और क्या आउटकम आता है। 1:30 बजे पाकिस्तान वक्त मुताबिक ही मैच शुरू होगा। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप लोग करते रहें, मेरी वीडियोज़ इंशाल्लाह इस तरह आती रहेंगी और आप लोगों के लिए फर्दर भी और वीडियोज़ अभी आएंगी। वर्ल्ड कप काफ़ी रहता है तो आपके कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।